हाय फ्रेंड्स, आग फूडी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बची हुई चाशनी से गेहूं के आटे के लड्डू। तो यहाँ पे एक कटोरी आटा है, ये बची हुई चाशनी है और ये नारियल अचार। गैस ऑन कर दिए, कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में करीब 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ये आटा ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। आटे को लगातार भूनते रहेंगे, इसी तरह मिक्स करते हुए। आटे से खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। आटा अच्छे से भुन गया है, इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखिए अब इसमें ऐड करेंगे ये नारियल अचार। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैंने नहीं किया है। अब इसमें ऐड करेंगे चाशनी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको धीमी आंच पे ही भूनेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए। चाशनी ऐड करने के बाद मैंने इसको करीब 5 मिनट भूना है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हाथों में चिकना लगा के, हाथों में थोड़ा सा घी, अभी थोड़ा सा गर्म ही है, बहुत ठंडा नहीं हुआ है, बहुत ठंडा करना भी नहीं है, नहीं तो फिर नहीं बनेंगे। अच्छे नहीं बनते हैं, देखिए इस तरह से लड्डू का शेप दे देंगे। इसी तरह लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। एक कटोरी आटे में इतने लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा नारियल भिगोता। अब इसको हम गरी अच्छा से डेकोरेट करेंगे। अब ये बनकर तैयार हो गए हैं। इसको मैंने अच्छे से सजा दिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।